एक समय था जब हारमोनिका भारत में काफी मशहूर था। माउथ ऑर्गन के साथ न जाने कितने एक्टरों को फिल्माया गया, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर था आराधना फिल्म का वो गाना जिसे आज भी सुनने के बाद हम झूम उठते हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो गाना है मेरे सपनों की रानी कब आओगे तुम। इस गाने के बाद माउथ ऑर्गन उस समय के युवाओं में काफी मशहूर हुआ और लोगों का झुकाव माउथ ऑर्गन की तरफ काफी बढ़ा, लेकिन आज ये कला विलुप्त हो रही है। मॉडर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने भले ही आज माउथ ऑर्गन अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन आज भी माउथ ऑर्गन की धुन को सुनकर आप झूम उठेंगे। इस कला को बचाने के लिए देश भर से हारमोनिका कलाकार हरिद्वार पहुंचे। इंडियन हारमोनिका फोरम मीट 2019 में भारत के कोने कोने से आए माउथ ऑर्गन आर्टिस्टों ने अपने कला का प्रदर्शन किया और समा बांधा। कलाकारों की संगीतमय प्रदर्शन ने मनमोहक धुन से दर्शकों का मन मोह लिया और इस प्रोग्राम को देखने आए लोग झूमने लगे। ये हिंदुस्तान में जो है इंडियन हारमोनिका फोरम पहली रजिस्टर्ड संस्था है। अभी तक हारमोनिका की कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं बनी है। एज ए प्रेसिडेंट और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत दूर दूर से हैं। इसमें कोई अहमदाबाद से है, कोई मुंबई से है, जम्मू कश्मीर से है, जमशेदपुर से है। मतलब इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा है इसको कराने में, और मैं समझता हूँ आगे की भी हमारे पास एक लाइन लग गई है कि हम लोगों को कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम मीट करेंगे, जम्मू में हम करेंगे। पहले से हमारे पास एडवांस बुकिंग आने लगी है। आने वाले समय में हम पब्लिक को साथ लेके चलेंगे और पब्लिक शो करेंगे इसके अंदर।